वैकुंठपुर से है, जहां बाजार में इन दिनों महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित मिट्टी के दिए बाजार में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से बिहान योजना के तहत महिलाओं द्वारा हर त्योहार पर दिए बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की संचालक कल्पना देवांगन ने बताया कि इस बार समूह की दीदियों द्वारा डिजाइनर मिट्टी के दिए बनाए जा रहे हैं। लोगों की मांग डिजाइनर दियों की तरफ जा रही है। कलेक्टर ने लोकल फॉर वोकल पर जोर देते हुए स्थानीय हस्तशिल्प कलाकारों के स्वदेशी डिजाइनर दिए खरीदने की अपील की है। ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो हमारा स्थानीय उत्पाद है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। वोकल फॉर लोकल ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, और जैसा आप सभी को विदित है कि ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर किसी का कुछ ना कुछ विक्रय होता है। इसके लिए ज़िला प्रशासन उचित व्यवस्था भी की है, समूह को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, और जो पुराने मिट्टी के बर्तन कुम्हार लोग बनाते थे वो भी ज़िला प्रशासन के सहयोग से आज से अपना मार्केट भी लगाएंगे। इसमें हम लोगों ने नगर पंचायतों को ये भी कहा है कि कोई भी टैक्सेस ना लिया जाए, प्लस इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं वो सभी स्थानीय उत्पादों का उपयोग भी करें, उसका क्रय भी करें, कोई भी ऐसा घर ना हो जो अंधेरे में रहे। तो हम सबकी मदद से सबके घर में दिवाली हो सकती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट और मंत्रा इस तरीके के शॉपिंग चीज़ों से, शॉपिंग वाले जो अपने ऐप हैं उनसे हम दूर रहें और स्थानीय उत्पाद को ही खरीदें। हमारे उन्नति महिला संकुल स्तरीय संगठन की समूह की जो दीदियां हैं वो इस बार अधिक मात्रा में डिजाइनर दिए बना रही हैं। पहले क्या होता था कि पहले ज्यादातर लोग मिट्टी के दिए का उपयोग करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलते जा रहा है लोगों का डिमांड अब डिजाइनर दियो की ओर जा रहा है। तो मिट्टी के दिए को डिजाइन करने के साथ साथ हम डिजाइनर दिए भी दीदियों से बनवा रहे हैं। उसके लिए रॉ मटेरियल भी हम लोगों ने बाहर से मंगवाया है, उसके साथ में झूमर है और शुभ लाभ के स्टिकर हैं, जितने भी अभी मार्केट में डिमांडिंग चीजें हैं वो सारी चीजें दीदियां बना रही हैं। और मैं कोरिया वासियों से सबसे अपील करना चाहती हूँ कि ये गांव की दीदियां हैं तो इनके हाथों से बनाए हुए सामान खरीदिए, दिए खरीदिए और अपने घर को रोशन कीजिए इस दिवाली पे, ताकि आपका घर जगमग हो सके और दीदियों का परिवार भी इससे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। मेरा कलस्टर का नाम है उन्नति महिला कलस्टर संगठन बड़गांव, मैं वहाँ की अध्यक्ष हूँ। और मेरे संकुल में दिया बनाया जा रहा है, मिट्टी का दिया से बनाया जा रहा है, झूमर बनाया जा रहा है और दिया अनेक प्रकार की सजाया जा रहा है। और लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि यहाँ दिया खरीदें समूह के दीदियों से। दीपावली के अवसर पे हम लोग जो है जो दिया बना रहे हैं और अपने हाथों से बना रहे हैं, और सारे मतलब समूह के जितनी महिला जितनी दीदियाँ हैं सब इस काम पे मदद कर रही हैं, सब आए हुए हैं और मतलब 6-7 प्रकार का जो भी दिया है मतलब डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं और मदद कर रहे हैं।